महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक अनुमान के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। यह उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अपनी हत्या के 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से मेहरोली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी दरगाह गए थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में चल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों को एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक संवाद और एकता का संदेश दिया था। हत्या वाले दिन 30 जनवरी 1948 को हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे थे। सुबह उठकर उन्होंने प्रार्थना की, 2 घंटे काम किया और 6 बजे फिर सोने चले गए। 8 बजे गांधी जी दोबारा उठे, सुबह की ताज़ा खबरें पढ़ी, ब्रज कृष्ण ने उनकी तेल से मालिश की, फिर गांधी जी नहाने चले गए। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियाँ, टमाटर और मूली खाई, साथ में संतरे का रस भी पिया। इसी समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अब भी गहरी नींद में थे। धीरे धीरे दिन ढलता गया। शाम 4 बजे के करीब वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचे। शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्राय करते रहे। उधर 4:15 बजे के आसपास गोडसे और उनके साथियों को कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा किया। वहाँ से फिर उन्होंने दूसरा तांगा किया और फिर बिरला हाउस में 200 गज पहले उतरे। 5:10 पर पटेल और गांधी जी की बातचीत खत्म हुई। इसके बाद गांधी जी शौचालय गए और फिर फौरन ही प्रार्थना वाली जगह की ओर चल दिए। मौजूदगी से बेखबर महात्मा गांधी आभा और मनु से बात करते हुए प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाई तरफ से नाथूराम गोडसे गांधी जी की तरफ झुका। मनु को लगा कि वह गांधी जी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने कहा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है। इसी बीच गोडसे ने मनु को धक्का दिया जिससे उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। मनु पुस्तक उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी गोडसे ने पिस्टन निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। आभा ने गिरते हुए गांधी जी के सिर को अपने हाथों का सहारा दिया। महात्मा गांधी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए।